राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार भव्य तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए करीब 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है और इसी क्रम में धामी सरकार के इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ने कहा कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है, इस समिट से राज्य का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2018 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य में कितना निवेश आया, इसका श्वेत पत्र जारी किया जाए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति करने की आदत है, जबकि हकीकत में इन्वेस्टर समिट से राज्य को काफी लाभ हो रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस की हालत वो है, जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद काला चश्मा चढ़ाया जाता है तो उसको दिखता कुछ नहीं, चश्मा इसीलिए चढ़ता है कि कुछ धूप ऊप न लगे। तो कांग्रेस की हालत वही हो गई है। त्रिवेंद्र जी के राज में 40,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश आया है, 1.25 लाख करोड़ के लगभग लगभग हमारे वहाँ पर MOU हुए थे, कोरोना आ गया था। 1.25 लाख करोड़ में अगर 40,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर हुआ है तो क्या कांग्रेस को पच नहीं रहा है? आज हम 2.5 लाख करोड़ का MOU करने जा रहे हैं लगभग लगभग। मैं कहता हूँ 1 लाख करोड़ भी हमको टर्नअप होता है, हमारे यहाँ निवेश होता है, तो क्या छोटी उपलब्धि है क्या? वो बताएं ना उनके सरकारों में क्या हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ। इन्वेस्टर समिट में तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 4 साल पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका उसका खर्चा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछना चाहता हूँ। ये कुछ नहीं, ये इवेंट बनाते हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद दिला दूं, उस समय जो इन्वेस्टर सबमिट हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण थी वो थे मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी ने यहाँ पर अनुपस्थित होकर, मतलब उस समिट में आए भी नहीं, और ये कह दिया था, याद होगा आपको, ये कह दिया था कि उत्तराखंड में मैं जियो की जो पूरे लाइनें बिछा रहा हूँ वही मेरा बहुत बड़ा योगदान।